हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपनी एम ए सोशोलॉजी की जो सीरीज़ थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे आई एम ग्लैड दैट ये सीरीज़ आप लोग आप लोगों को हेल्प कर रही है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं और आई एम सो सॉरी जो थोड़ा सा अभी डिले हुआ है एक दो दिन का वीडियोज़ में बट कोई नहीं आज बैक टू बैक वीडियोज़ दे थोड़ा सा जल्दी मतलब जो दो दिन का लॉस हुआ है उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे ये वीडियोस देख के आप एक बार जो मटेरियल है इग्नू का आप लोग उसको रीड करते रहिए आई नो बहुत से बच्चों के एग्जाम फैब में है कुछ के जून में है तो आई ट्राई कि जितना मैक्सिमम मैं अपनी तरफ से कवर करवा सकती हूँ उतना मैं आप लोगों को कवर करवा के चलूँ ठीक है अब बात करते हैं मार्क्सियन आइडियोलॉजी की देखो पिछली क्लास में हम लोग ने बात की थी एमिलीडर के बारे में है ना हम एक एक करके सोशोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको क्लियर करूँ कि ये सोशोलॉजिस्ट जो है ना ये अपने आप में एक बहुत पूरा चैप्टर हो जाता है तो हम यहाँ पे जब चैप्टर में इनके बारे में बात कर रहे हैं ना तो हम एक इनका जस्ट ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरीज अपने वर्क के थ्रू क्या करने की क्या मैसेज देने की क्या थ्योरी डिलीवर करने की कोशिश किया और इन्होंने एक्चुअल में क्या स्टडी की थी अपने टाइम पे है ना तो यहाँ पे हम इनकी थ्योरीज डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग ने अगर बीए करी है सोशियोलॉजी से तो वहाँ पढ़ा होगा इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ी है तो वहाँ करा होगा यहाँ पर हम लोग डिटेल में इनकी थ्योरीज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में बेसिक इनकी बस जो थ्योरी है उससे रिलेटेड क्या क्या ओवरव्यू है वो देखेंगे तो काल मार्क्स के बारे में हम देखते देखो ये हेगल के वर्क से इन्फ्लुएंस थे अब हेगल कौन बस ज़्यादा डिटेल में हेगल के बारे में अभी नहीं जाना है फॉर दिस चैप्टर पहले पढ़ा होगा याद है ठीक है नहीं याद है तो भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है हेगल एक और सोशलॉजिस्ट थे उनके वर्क से कहा जाता है ये काफी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, थे स्टार्टिंग में जब इन्होंने सोशलॉजी की स्टडी और सोशल चीज़ों पर ये चीज़ें देखनी स्टार्ट की तो ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हेगल बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने वर्क से जाके हेगल को आगे फर्दर क्या करते हुए दिखाई दिए कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखाई दिए उनके जो थ्यूरीज थी से थोड़ा सा डिसग्री करते हुए दिखाई दिए अब हेगल की फिलासफी में जो दो चीज़ें थी वो क्या थी डायलैक्टिक और आइडलिज्म को लेके थी डायलैक्टिक और आइडलिज्म डायलैक्टिक मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्या करते हो इन्वेस्टिगेट टाइप क्वेश्चनिंग करना ये सब चीज़ किस में जाती है डायलैक्टिक स्टडी में जाती है तो जब डायलैक्टिक की हम बात करें तो डायलैक्टिक में यहाँ पे वर्ल्ड जो दुनिया है वो किस व्यू से आप वहाँ पे उसको देख रहे हो और उसकी क्या इमेज है इन चीजों की हमने बात की ये प्रोवाइड करती है ये स्टडी व्यू ऑफ द वर्ड एज वेल एज द इमेज ऑफ द वर्ड जो डायलैक्टिक लोग होते हैं डायलैक्टिक स्टडी कर रहे हैं डायलैक्टिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं माना जाता है कि स्ट्रेस करते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं प्रोसेस जिसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं देखो आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे आप, आप मतलब किसी चीज़ को लेके क्वेश्चनिंग कर रहे हो देन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी आता है चीज़ों को लेके ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये चीज़ नहीं हो रही है तो देयर इज सम सम डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इमेज और आइडिया ऑफ द वर्ड जो है यहाँ पे बोला गया कि जो ये वर्ड है ना ये भी बहुत डायनेमिक है वर्ड में सब कुछ देखो कितनी कास्ट कितने रिलीजन कितनी कंट्रीज आप देखो तो बहुत डायनेमिक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अब यहां पे क्या था मार्क्स जो थे मार्क्स चाहते थे ये अप्लाई करना चाहते थे इस डायलेक्टिक प्रोसेस को इनकी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में देखो कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक्स को लेके कैपिटलिज्म सोशलिज्म को लेके भी बहुत सारी बातें की हैं ठीक है ये मानते थे कि जो अभी आगे थोड़ा बहुत इनके बाद ये चीज भी पढ़ेंगे हम कि जो कैपिटलिस्ट है ना वो वर्कर्स को मतलब जो वर्कर क्लास होती है ना उसको एक्सप्लॉइट करते हैं सारा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो बेनिफिट आप ले बेनिफिटेशन हो, हो, हो रहा है उनको उनकी मेहनत के बदले में प्रॉपर जो है वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है और सोसाइटी क्लियर कर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है एक कैपिटलिस्ट लोग हो जाते हैं और एक हो जाते हैं वर्कर्स ठीक है तो यहीं से इन्होंने आगे एक बात हमने हमें देखने को मिली वो क्या कंसेप्ट था आइडलिज्म का अब हेगल ने स्ट्रेस करा माइंड एंड आइडियाज एंड नॉट मटेरियल वर्ड मटेरियल चीजों पे फोकस ना करके वस्तुओं पे मटेरियल यहाँ पे क्या है वस्तु है इन मटेरियल चीजों पे फोकस ना करके हेगल ने किस पे फोकस किया माइंड और आइडियाज पे फोकस करा अब यहाँ पे एक और पर्सन का नाम बुक में, में मेंशन हुआ है कि फ्यूरबैच ने क्या करा इन्होंने कहा कि हेगल ने जो कॉन्शियसनेस होता है ना स्पिरिट ऑफ कल्चर की जो बात है माइंड और आइडियोलॉजी की जो बात है उसको क्या करा है बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया बहुत ज्यादा फोकस उसी चीज़ पे डाल दिया है वो ये यहाँ पे आगे बोला गया कि ये सोसाइटी ये सोसाइटी है जिसने गॉड को प्रोजेक्ट किया है और पुट हिम इन अ हैलोड पोजिशन अबव दैम सेल्फ ये सोसाइटी मतलब इंडिविजुअल ये ये लोग हैं जिन्होंने एक क्रिएट uh, करा कि देयर इज गॉड गॉड है और उनको आपने सबसे ऊपर जो है वो बिठा दिया है हर चीज़ से ऊपर बिठा दिया है तो ये कहीं लिखा नहीं गया था कुछ न, आ, मतलब लोगों ने ही लोगों के थ्रू ही क्रिएट की गई एक ये आइडियोलॉजी कह लो एक प्रोसेस कह लो कुछ भी आप कह सकते हो ये लोगों के थ्रू ही क्रिएट की गई चीज़ है अब मार्क्स ने यहाँ पे क्या बोला मार्क्स ने कहा कि एवरीथिंग कुड बी रिड्यूस टू मटेरियल बेस एंड नॉट टू माइंड एंड इट्स प्रोसेस मतलब हर चीज को हम एक बेस पे लेके आ सकते हैं एंड देन उसके बारे में हम प्रॉपर उसकी स्टडी जो है वो कर सकते हैं कैपिटल अब इन्होंने कैपिटलिज्म देखो मार्क्स की अलग अलग आइडियोलॉजी बहुत सारी चीज़ों पे जो इन्होंने स्टडी की हम अलग अलग पढ़ेंगे मतलब वो बीए वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं कही पढ़ेंगे यहाँ पे हम मार्क्स की स्टडी डिटेल में नहीं कर रहे हैं बार बार मैं कह रही हूँ जितना चैप्टर में लिखा है उतना और एक दो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी ठीक है तो कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है एलिनेशन होता है पोलराइजेशन होता है और रिवोल्यूशन आती है देखो मैंने बताया ना कि एक कैपिटलिज्म से कुछ क्लास अलग हो गई है वर्कर क्लास अलग हो गई है जो कैपिटलिस्ट कास्ट है वो एक्सप्लॉइट कर रही है वो यूज कर रही है वर्कर्स को अपने पर्सनल मतलब तो अपने प्रॉफिट के लिए और वर्कर्स तक वो प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा है तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है वहीं जो वर्कर वाली क्लास है वो ग्रो नहीं कर पा रही है तो इस वजह से कुछ लोग तो एलिनिएट हो रहे हैं अलग हट रहे हैं सोसाइटी से अब जो लोग अलग हट रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है चीज़ें नहीं है वो थोड़ा सा एलिनिएट फील करेंगे तो दे वांट रिफॉर्म उन्हें बदलाव लाने की जरूरत है उन्हें कुछ चीजें बदलने की जरूरत है उन्हें रिफॉर्म या रिवोल्यूशन की जरूरत है तो यहां पे बोला कि इसका क्या सोल्यूशन है रिवोल्यूशन बाय द पोलेट्रेट पोलेट्रेट कास्ट ये जो वर्ड यूज होता है ये क्या वर्ड है यहां पे हमारे पास वर्ड है प्रोलेटेरियट तो ये कौन सी कास्ट क्लास होती है वर्किंग क्लास जो वर्किंग वाले जो बेसिकली लेबर है ना सारे कुछ लोग तो गए हो, हो गए कैपिटलिस्ट हो गए उनके अलावा जो काम कर रहे हैं वो हो गई वर्किंग क्लास तो वर्किंग क्लास को रिवोल्यूशन करना होगा यही एक आंसर है इस एवेल का मतलब इस कैपिटलिज्म को अगर हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें मतलब वर्किंग क्लास को प्रोलेटेरियट क्लास को रिवोल्यूशन करना पड़ेगा बदलाव की मांग करनी पड़ेगी यहाँ पे क्या बोला गया कि जो प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट है वो वो किसके कॉस्ट पे ले रहे हैं वो वेज अर्नर यानी जो लेबर हैं इनको एक्सप्लॉइट करके ही अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं और यहाँ पे जो सरप्लस वैल्यू वो जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो किस बेस पे उनके पास पहुँच रही है क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर क्लास को क्लियर अब इसी बेसिस पे कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को कहा कि ये सोसाइटी जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है एक हो जाते हैं हैव जिनके पास चीजें होती हैं जो पोजेस कर रहे हैं चीजें मतलब जो हो गए कैपिटलिस्ट लोग ठीक है हैव में किसको डाला इन्होंने कैपिटलिस्ट लोगों को डाला और हैव नॉट जिनके पास चीजें रिसोर्सेज फैसिलिटी नहीं है वो हो गई हमारी वर्किंग क्लास या फिर या फिर क्या बताया था आपको प्रोलेटेरियट क्लास क्लियर हुआ यहाँ पे काल मार्क्स के बारे में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं जितना यहाँ पे चैप्टर में मेंशन में है उतना ही पढ़ा है बहुत ज़्यादा कहानी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी है अभी ज़रूरत भी नहीं है एग्जाम बहुत नियर है काल मार्क्स की डिटेल में वीडियोस तो करेंगे ही करेंगे चाहे वो मैं बीए वाली जो आपकी ई वाली बुक्स हैं उसमें कराऊंगी या फिर मैं आपको अलग से अलग से लेक्चर्स हम इसके डाल देंगे किसी भी तरीके से पढ़ेंगे ओके सो यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग काल मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे अगली क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट सोशोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग